इसराइल ने बीते 25 अक्टूबर को ईरान के हमलों का करारा जवाब देते हुए अपना इंतकाम पूरा किया। इसके बाद से ईरान और उसके शीर्ष नेता तमतमाए हुए हैं। ईरान ने तो बिना देरी किए इसराइल को धमकी तक दे डाली है कि इसराइल ने जो किया है उसी के अंदाज में उसे भी जवाब दिया जाएगा। ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पर इसराइली सेना ने भी ईरान को चेतावनी दी है, अगर वह नए दौर के हमलों की शुरुआत करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। इस बीच इसराइल ने ईरान पर हमले के तुरंत बाद अपने देश में इमरजेंसी का अलर्ट जारी किया। साथ ही इजरायली सेना भी ईरानी प्रतिक्रिया को लेकर चौकन्नी हो गई है। माना जा रहा है कि इसराइल भी ईरान के पलटवार के लिए पहले से तैयारी कर चुका है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की जंग धीरे धीरे गहराती जा रही है, जहां अब तक प्रॉक्सी वॉर के जरिए इसराइल पर दबाव बनाने वाला ईरान अब खुलकर इसराइल से दुश्मनी मोल चुका है। दोनों देशों की तनातनी अब हवाई हमले तक आ पहुंची है। ईरान में इसराइल के हमले के बीच इसराइली राजधानी में रविवार को बड़ी घटना घटी। तेल अवीव शहर के पास एक ट्रक ने बस स्टॉप पर टक्कर मारकर इलाके में हलचल बढ़ा दी। इस घटना में कम से कम 35 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। इसराइली पुलिस के मुताबिक 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना को पुलिस आतंकी हमले की तरह देख रही है और आगे की जाँच की जा रही है। बताया गया कि बस स्टॉप पर ट्रक चढ़ाने वाले ड्राइवर को पुलिस ने मौके पर ही गोली मारकर ढेर किया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक घायल होने वालों में ज्यादातर सीनियर सिटीजन हैं। ये लोग ट्रक की टक्कर से कुछ ही देर पहले पास के म्यूजियम में जाने के लिए बस से उतरे थे। ये पूरा घटना ग्लिलोड बेस के पास बस स्टॉप पर हुआ। ईरान से जारी दुश्मनी और हमलों के साए के बीच इजरायली पुलिस इस घटना को हल्के में नहीं ले रही है। पुलिस बल मुस्तैदी से इलाके की छानबीन में जुट गया है। यही वजह है कि पुलिस इस घटना को महज एक हादसे की बजाय आतंकी हमले के चश्मे से देख रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इसराइल में ऐसी घटना हुई है। गाजा में हमले तेज होने के बाद से इसराइल में ऐसे कई हमले हो चुके हैं। सितंबर में जॉर्डन और वेस्ट बैंक बॉर्डर पर हुए हमले में 3 इसराइलियों की मौत भी हुई थी। IDF के मुताबिक एक जॉर्डन के शख्स ने इसराइलियों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने शख्स को भी गोली मार दी थी। अक्टूबर की शुरुआत में ऐसा ही एक मामला तेल अवीव से सामने आया था, जहां एक शख्स ने फायरिंग करते हुए कम से कम 9 नागरिकों की जान ले ली थी। गौरतलब है कि ये पूरी घटना ऐसे वक्त में हुई है जब इसराइल ने ईरान पर जोरदार पलटवार किया है। ये जवाबी कार्रवाई 1 अक्टूबर को हुए हमले के जवाब में की गई थी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने राजधानी तेहरान के साथ ईरान के 4 शहरों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस हमले पर PM नेतन्याहू की नज़र थी।